अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में आज दिन भर जमकर घमासान चला, लेकिन समाधान क्या निकला? अंतरिम अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी एक वर्ष के लिए और बनी रहेंगी। संगठनात्मक बदलावों के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि गांधी परिवार का दबदबा कांग्रेस पर बना रहेगा और उसको चुनौती देने वाले कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में लेटर बम फूटने के बाद जिस तरीके से एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है, उससे अंततः कांग्रेस ही निपट जाएगी ऐसा लगता है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी ने जो पत्र लिखा था, उनके समेत 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा था, हस्ताक्षर किए थे कि कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है और भी कुछ सुझाव दिए थे। आज इन सबको शर्मसार होना पड़ा है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अहमद पटेल ने आनंद शर्मा का नाम लेकर कह दिया कि ये जो किया गया है ये सही नहीं है, ऐसे नेता से, ऐसे वरिष्ठ नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद ने जो नाराजगी जताई थी उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया हो, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि कांग्रेस की CCWC की बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक हुई और इस बैठक में मनीष तिवारी समेत कई ऐसे नेता जिनमें शशि थरूर भी शामिल हैं, ये सब वहां पर सम्मिलित हुए हैं और आज दिन भर जो भी कुछ हुआ संभवतः उस पर निराशा जताई गई होगी। यकीनन एक दूसरे के निपटाने के इस खेल में आप देखिए कि अंबिका सोनी भी आ गई हैं। अंबिका सोनी ने क्या कहा है कि इन नेताओं ने जिन्होंने पत्र लिखा उन पर कांग्रेस के जो अनुशासन संबंधी नियम है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। वरिष्ठतम नेताओं को जिस तरीके से निपटाने का खेल शुरू हो गया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र अब बिल्कुल नहीं बचा है और बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है कांग्रेस पर। और बीजेपी ने कहा है कि आप अपनी जो नाकामियां हैं, अपने जो अंतर्विरोध हैं, उसका ठीकरा हम पर ना फोड़ें। ये सब बीजेपी से मिली भगत है या ये बीजेपी ने इसकी शह पर ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अपना झगड़ा है, आप इसको सुलझाइए, हम पर ब्लेम मत लगाइए। देखना होगा कि कांग्रेस इन अंतर विरोधों से कैसे उभरती है, लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की एक समय सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। गांधी परिवार को चुनौती देना अपने पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देने जैसा अब हो गया है। इस पर क्या है आज का जो अपडेट वो हम आपको देंगे विस्तृत तरीके से, साथ ही बताएंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिस तरीके से एक 10 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग, वो भरभरा के गिर गई और उसमें अभी तक माना जा रहा है कि 100 से 200 लोग दबे हो सकते हैं। NDRF की टीमें पुणे से, मुंबई से रवाना हो चुकी हैं और खास तौर पर चूंकि इस समय रात का समय है तो बचाव और राहत कार्य में काफी परेशानी आ रही है। हालांकि हाइलोजन लाइट्स लगाई गई हैं प्रशासन की ओर से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि अनलॉक 4 जो कि 1 सितंबर से शुरू होगा, उसकी गाइडलाइंस माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक जारी हो जाएंगी और उस अनलॉक 4 में क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, इसके बारे में अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उस पर आपको एक रिपोर्ट देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस कार्य समिति ने सोमवार को मैराथन बैठक के बाद सोनिया गांधी से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बने रहने का आग्रह करने के साथ ही संगठनात्मक बदलाव के लिए अधिकृत किया। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई ने सोनिया गांधी को कुछ नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र की पृष्ठभूमि में नेताओं को कांग्रेस का अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी बातें पार्टी के मंच पर रखने की नसीहत दी और कहा कि किसी को भी पार्टी और इसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। CWC की बैठक के बाद पारित प्रस्ताव में कहा गया है, पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्यसमिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कहा कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सहयोग के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखना लंबे समय तक नहीं हो सकता,
और नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए जल्द ही अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। CWC की बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि वह राहुल गांधी के इन दोनों सुझावों का समर्थन करते हैं। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि वह पी चिदम्बरम के इस सुझाव का भी समर्थन करते हैं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन जल्द बुलाया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक CWC की बैठक में अधिकतर नेताओं ने यह कहा कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सोमवार शाम 5 मंजिला इमारत ढह जाने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। जानकारी के अनुसार कजलपुरा इलाके में स्थित इस इमारत में 40 से 45 परिवार रहते थे। अभी भी इमारत के मलबे में लगभग 200 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कितने लोग थे। राहत और बचाव कार्य के लिए स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NDRF डायरेक्टर से बात की। उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से राहत और बचाव कार्य में कोई व्यवधान न आने पाए। लोगों की भीड़ को घटनास्थल से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई से NDRF की टीम भी रवाना हो चुकी है। फिलहाल इस इमारत के गिरने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि रायगढ़ जिले में एक 5 मंजिला इमारत के 3 फ्लोर ढह गए हैं। लगभग 200 लोगों के इसमें फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 15 लोगों को निकाल लिया गया है। उधर 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 में सरकार द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिए जाने की संभावना है, लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के निकट भविष्य में खुलने की संभावना नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह इजाज़त ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी। अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में क्रमिक छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 की जब शुरुआत होगी तब 1 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि राज्य में त्वरित परिवहन नेटवर्क के परिचालन की अनुमति के बारे में संबंधित राज्य सरकार वहां की कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के आधार पर निर्णय लेगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मार्च में मेट्रो सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। एक अन्य अधिकारी का कहना था कि सिनेमाघरों को 1 सितंबर से खुलने की अनुमति देने की संभावना करीब करीब नहीं है, क्योंकि फिल्मकारों या सिनेमाघर मालिकों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने के नियम का अनुपालन करते हुए अपना कारोबारी काम करना वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक नहीं होगा। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश इस सप्ताह के आखिर तक जारी किए जा सकते हैं। देशभर में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से बना रहेगा। उधर कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन अगर हम देखें आंकड़ों के लिहाज से तो 23 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना को हरा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश में मृत्यु दर भी गिरकर 1.9% पर आ गई है और हमारी जो स्वस्थ होने की दर है लगातार बढ़ रही है। हालांकि संक्रमितों की संख्या में इजाफा जारी है, लेकिन भारत ने जिस तेजी के साथ कोरोना की पहचान, कोरोना की जांच करने का क्रम आगे बढ़ाया है, उससे हम इस बीमारी पर, इस महामारी पर जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अगर आज की बड़े नामों की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके भी कोरोना संक्रमित होने की खबर है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, जो कि आयुष मामलों के मंत्री हैं, उनकी स्थिति बताई जा रही है कि बहुत गंभीर है। एम्स के डॉक्टरों का दल पणजी गया है और वहां पर तय करेगा कि उनको वहीं पर इलाज होना चाहिए कि उनको दिल्ली लाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई राज्यों से इस तरीके की खबरें आई हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगातार संक्रमण के मामले 11,000 से ऊपर बने हुए हैं, अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन जो SOPs जारी की जा रही हैं, अगर हम उनका पालन करते रहें तो इस महामारी बीमारी को हरा पाने में यकीनन हम कामयाब होंगे।